हेलो फ्रेंड्स, कुमार जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ओप्पो रेनो 11 प्रो 5G और इसमें है एक ईमेल आईडी जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में डेमो अकाउंट बना के दिखाया था। तो प्ले स्टोर से मैं आपको इस आईडी को रिमूव करके दिखाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको 2 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको ईमेल आईडी हटाना है। तो पहले ऑप्शन दो है ईमेल आईडी हटाने का, कि पहले आप सेटिंग हो जाइए यहाँ से या फिर ऊपर से भी सेटिंग में जा सकते हैं। आपको यहाँ मिलेगा देखिए यूजर एंड अकाउंट गूगल के नीचे, आपकी आईडी शो करें कमला प्रसाद राम @1@gmail.com। सिंपली ऊपर 3 डॉट है रिमूव अकाउंट पर क्लिक करेंगे, जैसे रिमूव अकाउंट पर क्लिक करेंगे ईमेल आईडी 2 सेकंड में कट जाएगा। अगर आपको प्ले स्टोर से हटाना है प्ले स्टोर खोलिए और प्ले स्टोर को खोलने का इंतजार कीजिए थोड़ा सा। जैसे प्ले स्टोर हमारा ओपन हो जाता है तो हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया था, प्ले स्टोर खुलता है आपको ऊपर आईडी शो करके क्लिक करना है आईडी पर। एंड यहाँ पर आईडी के आगे एरो है, जैसे क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन बढ़ जाएगा यहाँ पर, इधर एडेड अनदर अकाउंट मैनेज अकाउंट अन दिस वे। एडेड अनदर अकाउंट का मतलब होता है कि आप दूसरा ईमेल आईडी जोड़ना चाहते हैं फिर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर गूगल पर यहाँ पर चेकिंग इन्फॉर्मेशन क्रिएट अकाउंट साइन इन सब आ गया, यहाँ पर बना सकते हैं। अगर यही ऑप्शन जो है मैनेज अकाउंट अन दिस डिवाइस तो इस सेटिंग में आपको लेकर चला जाएगा यूजर एंड अकाउंट। अपनी आईडी पर क्लिक करना है, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है, रिमूव अकाउंट पर क्लिक करना है और रिमूव अकाउंट पर जैसे क्लिक करेगा ईमेल आईडी तुरंत हट जाएगी। यहाँ पर यूजर एंड अकाउंट में कोई आईडी शो नहीं कर रही है, बैक करेंगे तो प्ले स्टोर भी हमारा साइन इन करने के लिए कह रहा है। फिर से दिखाते हैं आपको प्ले स्टोर को, हमारा यहाँ पर साइन इन करने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा करते हैं कि आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।